पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कंचनजुंगा एक्सप्रेस हादसे के बाद आज बिहार के पटना जंक्शन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें कि पूर्णिया हटिया एक्सप्रेस की कपलिंग टूटी, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से बच गया। अगर ये हादसा होता तो बेहद गंभीर स्थिति पैदा हो सकती थी। कंचनजुंगा एक्सप्रेस से भी बड़ा हादसा साबित हो सकता था। पटना जंक्शन के आउटर पर पूर्णिया हटिया एक्सप्रेस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची है। ट्रेन स्टेशन पहुंचने ही वाली थी, आउटर पर पहुंचते ही जोरदार आवाज हुई और दो बोगियों के बीच की कपलिंग टूट गई। तेज आवाज के साथ झटका देते हुए ट्रेन अचानक से रुक गई, जिसके बाद यात्री डर गए और आनन फानन में ट्रेन से उतरकर ट्रैक पर आ गए। ट्रेन से सफर कर रहे यात्री ने बताया है कि जहानाबाद के रहने वाले थे और पूर्णिया हटिया एक्सप्रेस से गया जा रहे थे। ट्रेन के अंदर बैठे थे, तभी अचानक तेज झटका लगा, फिर गाड़ी रुक गई। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त ट्रेन यात्रियों से भरी हुई थी। एक घंटे से ज्यादा समय तक गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 10 के आउटर पर खड़ी रही। टेक्निकल टीम और अधिकारियों ने प्रेशर पाइप और तकनीकी खराबी को ठीक किया, इसके बाद ट्रेन रवाना हो सका। राहत की बात ये रही कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली थी और ट्रैक चेंज कर उसे 10 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर ले जाया जा रहा था। इसी बीच ये हादसा हुआ। अगर स्पीड ज़्यादा होती तो ये बड़ा हादसा साबित हो सकता था। राजेंद्र नगर से पटना जंक्शन की ओर आने वाली ट्रेन ट्रैक पर जाम होने की वजह से पटना जंक्शन नहीं आ रहे हैं। युद्ध स्तर पर टेक्निकल टीम बोगी को दुरुस्त करने में लगातार लगी हुई है। तो पूर्णिया हटिया एक्सप्रेस पहुंचने ही वाली थी जंक्शन पर, जिस वक्त यह हादसा हुआ कपलिंग टूट गई। और ये कहा जा रहा है कि अगर ट्रेन की जो स्पीड है, जो रफ्तार है, वो ज़्यादा होती तो एक बड़ा हादसा और भयानक हादसा ये साबित हो सकता था। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले कंचनजुंगा एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें करीब 10 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे, लेकिन ये उससे बड़ा हादसा साबित हो सकता था। पटना जंक्शन, आपको बता दें, पूर्णिया हटिया एक्सप्रेस का ये मामला है। जो कपलिंग थी वो निकल गई थी, लेकिन जो ट्रेन की रफ्तार थी वो कम थी, जिसके वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। यात्री जो वहाँ थे मौजूद, उन्होंने बताया कि एक ज़ोरदार आवाज़ हुई, जिसके बाद ट्रेन रुक गई और लगातार उसे ठीक करने का काम किया जा रहा था। ट्रेन की रफ्तार कम थी, केवल इसीलिए जो हादसा है वो टल गया, नहीं तो एक बेहद बड़ा और भयानक हादसा साबित हो सकता था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।